अस्सलाम वालेकुम। तो चले हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जिसमें हम देखेंगे कि ब्रॉडकास्ट और नोटिफिकेशंस क्या होते हैं और उसकी हम हैंडलिंग अपने एंड्रॉयड के अंदर किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने इस लेक्चर की आउटलाइन की तरफ। इसमें हम देखेंगे कि हम ब्रॉडकास्ट को किस तरह से सेंड और रिसीव कर सकते हैं और नोटिफिकेशंस हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, और पुश नोटिफिकेशंस जो हमें बाहर से कहीं से आता है तो हम उसको किस तरह से हैंडल करके एक नोटिफिकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ब्रॉडकास्ट क्या होता है। ब्रॉडकास्ट बेसिकली ऐसा ही होता है जैसे कि कोई और एप्लीकेशन या कोई और चीज़ आपको कोई मैसेज या सिस्टम कोई मैसेज सेंड करना चाह रहा हो, तो वो मैसेजेस जो बेसिकली होते हैं वो इंटेंट की फॉर्म में हो सकते हैं या इवेंट्स की फॉर्म में हो सकते हैं। तो वो मैसेजेस या वो इंटेंट्स या वो इवेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली ब्रॉडकास्ट कहलाते हैं। तो ब्रॉडकास्ट आप सेंड भी कर सकते हैं, उसको रिसीव भी कर सकते हैं। तो चले हम उसके एक कोई इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, जिससे थोड़ा सा ये क्लियर हो जाए कि ब्रॉडकास्ट हम किस तरह से बनाते हैं और ब्रॉडकास्ट की हैंडलिंग किस तरह से की जाती है। तो चलिए हम चलते हैं अपने कोड। ब्रॉडकास्ट बनाने के लिए सिंपली आपको पहले क्या करना पड़ेगा, एक जावा की क्लास बनानी पड़ेगी। उसके लिए हम सिंपली एक जावा की क्लास बना लेते हैं, जिसका नाम हम रख देते हैं माई रिसीवर। और इसकी जो सुपर क्लास होगी जिसको ये एक्सटेंड करेगा वो बेसिकली होगी हमारे पास ब्रॉडकास्ट रिसीवर की क्लास। तो ये बेसिकली आपका एक रिसीवर बन जाएगा। ये क्या करेगा कि जहां से भी ब्रॉडकास्ट सेंड होगा वो ये रिसीवर आपको रीड करके देगा। तो ब्रॉडकास्ट रिसीवर बनाने के लिए आपको सिंपली एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर की क्लास बनानी पड़ेगी। तो हम इसको ओके कर देते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी एक क्लास बन चुकी है ब्रॉडकास्ट रिसीवर की। इस पे कुछ एरर आ रहा है, वो देख लेते हैं वो क्या है। वो कह रहा है कि हमें इसके जो इम्प्लीमेंटेड मेथड्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो इसमें एक ही मेथड है ऑन रिसीव का। ये ऑन रिसीव का जो मेथड है ये इसको हमने ओवरराइड कर लिया अपने कोड के अंदर। और इसमें हो क्या रहा है, बेसिकली आपको कॉन्टेक्स्ट मिलेगा कि कौन सी एक्टिविटी या किस जगह से ये आपको एक ब्रॉडकास्ट भेजा गया है, और इंटेंट मिलेगा। इंटेंट के अंदर बेसिकली आप कोई भी डाटा सेंड कर सकते हैं कि आप उस ब्रॉडकास्ट के साथ कुछ भी भेज सकते हैं। हमने जैसा कि पहले देखा कि हम इंटेंट के अंदर कोई भी प्रिमिटिव टाइप का डाटा मूव कर सकते हैं। तो आप किसी भी किस्म का डाटा यहाँ पे सेंड करेंगे तो वो हम देख लेते हैं जब हम सेंड करेंगे उसको कैसे सेंड कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम इस रिसीवर को देख लेते हैं कि रिसीवर में हमने क्या करना है। तो सिंपली जैसे ही हमें कोई चीज़ रिसीव होगी तो हम उसको टोस्ट करवा लेते हैं कि हमने कोई चीज़ रिसीव कर ली है। तो टोस्ट आपने इससे पहले देखा था कि हम टोस्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं, तो सिंपली वैसे ही हम एक टोस्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जैसे ही हमें कोई भी इंटेंट यहाँ पे मिलेगा या रिसीव होगा ब्रॉडकास्ट, तो हम यहाँ पे एक टोस्ट प्रिंट करवा देंगे। तो ये हमने एक रिसीवर की सिंपल सी क्लास लिखी। तो हमें यहाँ पे मैनिफेस्ट के अंदर इसको रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे कि हम एक्टिविटीज को रजिस्टर करते हैं तो हम वैसे ही ब्रॉडकास्ट को भी रजिस्टर करेंगे अपने मैनिफेस्ट की फाइल के अंदर। तो वो हम कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। सिंपली जैसे आप एक्टिविटीज के टैग को ओपन करके यहाँ पे आप एक्टिविटीज को रजिस्टर कर रहे हैं, वैसे ही आप रिसीवर के टैग से एक रिसीवर यानी कि ब्रॉडकास्ट रिसीवर को यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। तो रिसीवर के साथ आपको उसका नाम देना पड़ेगा। वो नाम वही होगा बेसिकली जो आपने उस क्लास का नाम रखा है। तो वो ऑटोमेटिकली इसने डिटेक्ट कर लिया है कि रिसीवर है, तो माई रिसीवर इसने डिटेक्ट करके हमें दे दिया। हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब इसमें आपने एक और चीज डालनी है, इंटेंट फिल्टर, के आप किस किस्म का इंटेंट ये रिसीव कर सकता है। आप जब इसको सेंड कर रहे होंगे तो आपने बताना होगा कि आप किस टाइप का इसको इंटेंट देंगे। तो उसके लिए हमें इंटेंट फिल्टर ऐड करना पड़ेगा। इंटेंट फिल्टर में आपको एक्शन ऐड करना होता है, तो हम एक एक्शन ऐड कर लेंगे।
तो हमने सिंपली एक कस्टम इंटेंट अपना बना लिया, और ये वाला जो फिल्टर है इसी के थ्रू हम अपने इस रिसीवर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से एक इंटेंट को फायर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने मेन एक्टिविटी के अंदर हम एक ब्रॉडकास्ट इंटेंट फायर कर लेते हैं। अब मेन एक्टिविटी में हम एक बटन क्रिएट कर लेते हैं। तो हम मेन एक्टिविटी का जो लेआउट है इसके अंदर एक बटन क्रिएट कर देते हैं। ब्रॉडकास्ट के नाम से, और इसकी हम आईडी सेट कर देते हैं। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो हम एक ब्रॉडकास्ट सेंड कर देंगे। तो सिंपली हम यहाँ पे उसको इनिशियलाइज कर लेते हैं उस बटन को। अब इसके क्लिक के ऊपर हमने क्या करना है उसको हम देख लेते हैं। अभी हमने एक यहाँ से ब्रॉडकास्ट जो है वो सेंड करना है। तो जैसा कि आप वैसे भी देख चुके हैं कि हम कोई भी चीज़ फायर करने के लिए, लाइक एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी को क्लिक करना है, या एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में हमने जाना है, तो उसके लिए हम इंटेंट के थ्रू ये काम करते हैं। इसी तरह से हम इसमें भी इंटेंट ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने अब इसको एक्शन सेट करके, टेंशन सेम वही होगा जो हमने अपनी मैनिफेस्ट के अंदर ऐड किया था। और जैसे हम करते थे स्टार्ट एक्टिविटी, उसी तरह से अब हम करेंगे सेंड ब्रॉडकास्ट। अब ये कोड करेगा क्या, बेसिकली कि आपका जो ब्रॉडकास्ट है वो सेंड कर देगा और रिसीवर जो है वो उसको रिसीव कर देगा। अगर वो सक्सेसफुली रिसीव कर लेगा तो हमने जिस तरह से यहाँ पे टोस्ट प्रिंट करवाया है बिल्कुल वैसे ही वो एक टोस्ट प्रिंट कर देगा, इंटेंट रिसीव्ड। तो चलिए इसको चला के चेक कर लेते हैं कि हमारा ये काम सही से हो रहा है कि नहीं। हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो गई है। अब हम इस पे बटन पे क्लिक करके चेक कर लेते हैं कि हमारा जो ब्रॉडकास्ट है वो सेंड होता है और दूसरी साइड पे उसको रिसीव किया जाता है कि नहीं। तो उसके लिए हमें बटन पे क्लिक करना होगा ब्रॉडकास्ट के। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो टोस्ट प्रिंट हो रहा है अभी, ये टोस्ट हमने प्रिंट किया था रिसीवर के ऊपर, तो हमने यहाँ से ब्रॉडकास्ट सेंड किया और रिसीवर ने इसको रिसीव करके एक टोस्ट प्रिंट कर दिया। तो ये एक सिंपल सी एग्जाम्पल थी हमारे पास ब्रॉडकास्ट सेंड और रिसीव की। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नोटिफिकेशंस, नोटिफिकेशन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एंड्रॉयड एप्लीकेशन, क्योंकि आपने देखा होगा कि हम डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं जिसमें मोस्टली नोटिफिकेशंस ही होते हैं। तो वो नोटिफिकेशंस किसी भी तरह के हो सकते हैं। आपका जो मैसेज आ रहा है वो आपका एक नोटिफिकेशन होता है। आप व्हाट्सएप पे किसी से चैट कर रहे हैं तो आपके चैट के अगेंस्ट कोई अगर आपको नोटिफिकेशन आता है तो उसके थ्रू आप एप्लीकेशन ओपन कर सकते। तो हम इस एग्जाम्पल में देखेंगे कि हम एक नोटिफिकेशन किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और नोटिफिकेशन वैसे बनता किस तरह। तो चले चलते हैं अपने टूल की तरफ। तो नोटिफिकेशन को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो हम थोड़ा सा उसको देख लेते हैं।
सिंपली हम क्या करते हैं, जब हम ब्रॉडकास्ट सेंड कर रहे थे तो हम एक टोस्ट प्रिंट करवा रहे थे, इस टोस्ट को हम यहाँ से हटा देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ही हमें ब्रॉडकास्ट रिसीव होगा तो हम एक नोटिफिकेशन क्रिएट कर देंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो हम देख लेते हैं। सिंपली आपको एक इंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा कि इन केस अगर आपकी नोटिफिकेशन पे क्लिक होता है तो वो कौन सी एक्टिविटी पे जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक इंटेंट क्रिएट कर लेते हैं और इसको हम कह देते हैं गो टू एक्टिविटी। इसमें वैसे ही आपको कॉन्टेक्स्ट देना होगा और नेक्स्ट किस एक्टिविटी पे जाना है उस एक्टिविटी का नाम। इसके साथ ही आपको एक पेंडिंग इंटेंट भी क्रिएट करना होगा। इसमें भी पहला जो आर्ग्यूमेंट होगा वो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट होगा और उसके बाद हम देंगे इसको कितने टाइम में, इस किस टाइम तक इसने स्टिक रहना है। इसके साथ हम इंटेंट भी दे देंगे। हमने एक पेंडिंग इंटेंट भी साथ ऐड कर दिया। अब हम नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं कि हम नोटिफिकेशन को किस तरह से बिल्ड करते हैं। तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन का एक ऑब्जेक्ट लेना होगा। नोटिफिकेशन बिल्डर हमने बेसिकली बनाना है क्योंकि अभी हम इसको बिल्ड करेंगे कि इसमें हम टाइटल और इसके अलावा आइकन्स और कुछ सब्जेक्ट सेट कर सकते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे वो देख लेते हैं।
नोटिफिकेशन का एक टाइटल सेट कर लेते हैं। इसी तरह नोटिफिकेशन का एक सब्जेक्ट या उसकी बॉडी सेट कर लेते हैं। नोटिफिकेशन का आप कोई आइकन भी सेट कर सकते हैं साथ, अगर आप चाहें तो हम एक आइकन भी इसके साथ ऐड कर लेते हैं। आपने जो पेंडिंग इंटेंट बनाया है उसको भी हमें इसके साथ भेजना होगा, तो उसको भेजने का तरीका क्या है वो देख लेते हैं। सिंपली आपने सेट कंटेंट इंटेंट करना है और इसके अंदर आपने पेंडिंग इंटेंट भेज देना है, तो पेंडिंग इंटेंट का जितना भी इसमें डाटा होगा वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। आखिर में आपने एक डॉट बिल्ड कर देना, मतलब कि आपका जो नोटिफिकेशन बिल्डर है वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने क्या किया कि टाइटल और सब्जेक्ट सेट कर दिया, उसके साथ हमने आइकन डाल दिया और एक पेंडिंग इंटेंट ऐड कर दिया। अब हम देखेंगे इस नोटिफिकेशन को हम ऊपर शो किस तरह से कर सकते हैं। तो उसको शो करने के लिए आपको नोटिफिकेशन मैनेजर लेना पड़ेगा। अब हम नोटिफिकेशन मैनेजर ले लेते हैं। सिंपली अब हमने नोटिफिकेशन मैनेजर के साथ इसको नोटिफाई कर देना। तो उसके लिए हम नोटिफाई का मेथड कॉल कर लेते हैं। और इसको हम नोटिफिकेशन पास ऑन कर देते हैं। तो ये एक सिंपल सा तरीका था। आपने क्या किया, बेसिकली एक एक्टिविटी का इंटेंट आपने इसको बता दिया कि जैसे ही आपकी ये नोटिफिकेशन क्लिक हो तो किस जगह पे उसको जाना चाहिए। तो हमने बोला कि मेन एक्टिविटी पे ही जाए, और उसके बाद हमने एक नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। नोटिफिकेशन के ऑब्जेक्ट में हमने क्या किया, एक बिल्डर पैटर्न यूज करते हुए हमने उसका टाइटल सेट किया, उसका सब्जेक्ट ऐड किया, और उसके अलावा हमने इसका आइकन सेट कर दिया और पेंडिंग इंटेंट को इसके साथ अटैच कर दिया, और हमारा ये जो बिल्डर था ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने नोटिफिकेशन मैनेजर को यूज़ करते हुए इसको नोटिफाई कर दिया। तो इसको देख लेते हैं अगर हमारा ये काम चल रहा है कि नहीं, तो उसको रन कर लेते हैं। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब हम देखते हैं ब्रॉडकास्ट को सेंड करने पे वहाँ रिसीविंग पे नोटिफिकेशन क्रिएट होता है कि नहीं होता। तो आपने यहाँ पे भी देखना है कि जैसे ही यहाँ पे कुछ चीज़
आइकन नजर आएगा आपको, तो इसका मतलब है कि आपका नोटिफिकेशन क्रिएट हो चुका है। तो हम ब्रॉडकास्ट पे क्लिक करके चेक कर लेते हैं। तो देखिए जैसे कि हमने इसको क्लिक किया तो उसके फौरन बाद ही यहाँ पे हमारे पास एक ब्रॉडकास्ट आ गया, जिसके अंदर हमारे पास जो हमने ब्रॉडकास्ट में डाटा ऐड किया था वैसे ही वो डाटा सारा का सारा यहाँ पे प्रिंट हो गया। लाइक टाइटल आ गया और सब्जेक्ट आ गया, और इसके अलावा जो हमने आइकन सेट किया था वो भी आ गया। अब इसको क्लिक करके देख लेते हैं, क्लिक करने पे हमारी यही एक्टिविटी दोबारा से ओपन होगी। तो एक सिंपल सा तरीका था एक नोटिफिकेशन को क्रिएट करने का। इसमें आप बेतहाशा कस्टमाइजेशंस कर सकते हैं, और इसके साथ आप डिफरेंट किस्म का डाटा पास करके यहाँ पे रिट्रीव कर सकते हैं, और क्लिक के ऊपर भी आप डिफरेंट टाइप का डाटा है, जैसा कि हमने देखा कि इंटेंट के अंदर हम कोई भी डाटा भेजते तो हमें यहाँ पे दोबारा रिसीव हो सकता था वो। तो चले हम देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं पुश नोटिफिकेशंस को। पुश नोटिफिकेशंस भी नोटिफिकेशंस की तरह होते हैं, लेकिन पुश नोटिफिकेशंस का मतलब यहाँ पे कुछ और है। उसका मतलब ये है कि जैसा कि आपने अभी देखा था कि आपने एक ब्रॉडकास्ट से सेंड किया और दूसरे ब्रॉडकास्ट रिसीवर को उसने रिसीव कर लिया, तो ये तो हमने विद इन एप्लीकेशन ये काम कर लिया। अगर आपकी आउटसाइड द एप्लीकेशन कोई पुश आप चाहते हैं, लाइक कोई डाटा आप वहाँ से मैसेज या ब्रॉडकास्ट की शक्ल में चाहते हैं, तो उसको हम पुश नोटिफिकेशंस कह सकते हैं। और ये पुश एपीआई या फिर नोटिफिकेशन एपीआई के थ्रू भी हो सकता है, डिफरेंट तरीके से हम इसको अचीव कर सकते हैं। तो इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं कि हम किस तरह से पुश नोटिफिकेशंस को आउटसाइड द एप्लीकेशन गेट करके और एक नोटिफिकेशन प्रिंट कर सकते हैं। तो चले चलते हैं अपने टूल की तरफ। इसके बाद हम देख लेते हैं कि हम एक पुश नोटिफिकेशन किस तरह से भेज सकते हैं। तो पुश नोटिफिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि अभी फिलहाल हमारे पास जो एंड्रॉयड के अंदर पुश नोटिफिकेशन सेंड करने का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वो है फायरबेस। तो फायरबेस के मुताबिक वैसे तो हम डिटेल में देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन अभी फिलहाल हमने पुश नोटिफिकेशन इनेबल करने हैं, तो उसको देख लेते हैं कि हम फायरबेस के थ्रू किस तरह से ऐप पे पुश नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं। तो सिंपल सा तरीका है, आपने जस्ट ब्राउजर पे जाके console.firebase.google.com लिखना है, और अपने जीमेल आईडी से इसको लॉगिन कर लेना है, तो आपके सामने ये एक कंसोल ओपन हो जाएगा। ये फायरबेस का बेसिकली कंसोल है, और इधर से हम एक फायरबेस का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ऑनलाइन एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, और ऑनलाइन प्रोजेक्ट क्रिएट करने का तरीका भी सिंपल है, सामने आपके लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट प्रोजेक्ट, तो हम क्रिएट प्रोजेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे वो आपके प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है, तो हमारा प्रोजेक्ट बेसिकली है ब्रॉडकास्ट नोटिफिकेशन एग्जाम्पल। तो ब्रॉडकास्ट एंड नोटिफिकेशन एग्जाम्पल हमने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, तो इसका हम नाम उसको दे देंगे। तो सिंपली हमने इसका नाम रख दिया नोटिफिकेशंस एग्जाम्पल, और इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कंटिन्यू कर लेंगे। उसके बाद ये आपसे पूछा कि आपने गूगल एनालिटिक्स यूज़ करनी है, तो फिलहाल इसको हम रहने देते हैं, हम इसको क्रिएट प्रोजेक्ट कर लेते हैं। तो ये आपके लिए बेसिकली एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है। तो चलें इसको कंटिन्यू करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि आपका एक प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुली फायरबेस के ऊपर क्रिएट हो चुका है। अब इसमें आपने करना क्या है, इसमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप किस किस्म का नोटिफिकेशन चाहते हैं। तो फायरबेस हर प्लेटफॉर्म पे नोटिफिकेशन भेज सकता है, आईओएस के ऊपर, एंड्रॉयड के ऊपर और वेब के ऊपर। तो फिलहाल हमारा जो काम है बेसिकली एंड्रॉयड के साथ है, तो हम एंड्रॉयड पे क्लिक करके इसको स्टार्ट कर देंगे। अब ये हमसे एंड्रॉयड की जो कॉन्फ़िगरेशंस है वो पूछ रहा है, तो एंड्रॉयड का पैकेज नेम आपको देना पड़ेगा, जिस तरह से एग्जांपल में बताया है कॉम डॉट कंपनी डॉट ऐप नेम। तो हमारा पैकेज क्या है वो हम देख लेते हैं।
तो बेसिकली आप मैनिफेस्ट में जाएंगे, मैनिफेस्ट में पैकेज के अगेंस्ट एक चीज लिखी होगी, ये है हमारा पैकेज नेम, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, आपका कुछ और भी हो सकता है, और इसको इस पैकेज नेम में पेस्ट कर देंगे। अब आपकी ऐप का निक नेम पूछ रहा है, तो हमने इसका एक निक नेम रख लेते हैं, नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन एग्जाम्पल, SHA-1 की बेसिकली आप कहाँ से निकाल सकते हैं, इसके लिए गूगल पे बेतहाशा ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं, लेकिन हम इसको सिंपली निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ स्टेप्स बता देता हूँ, आपने सिंपली क्या करना है, आपने यहाँ राइट टॉप पे क्रेडल के टैब में जाना है और अपनी एप्लीकेशन को ओपन करना है। टास्क में जाके एंड्रॉयड के अंदर जाके आपने साइनिंग रिपोर्ट पे डबल क्लिक कर देना है। तो ये बेसिकली इस ग्रेडल को एग्जीक्यूट कर रहा है, इसकी एग्जीक्यूशन के रिजल्ट में आपको SHA-1 की मिल जाएगी। ये आप किसी भी प्रोजेक्ट की इसी तरह से SHA-1 की फाइंड कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट किस्म के जब भी आप APIs को इनेबल करते हैं या ऐड करते हैं, तो आपको ये SHA-1 की जो है ये रिक्वायर्ड होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये इसकी SHA-1 की जनरेट हो चुकी है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और अपने इस SHA-1 के फील्ड में इसको ऐड कर देते हैं। आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे अभी रजिस्टर हो चुकी है। ये आपने क्या किया, बेसिकली पैकेज नेम आपने मैनिफेस्ट की फाइल से कॉपी किया और आपने कोई भी एक निक नेम इसका रख दिया, और SHA-1 की आपको अभी बताया कि आपने यहाँ से ग्रेडल में जाके साइनिंग रिपोर्ट पे डबल क्लिक करके इसको एग्जीक्यूट करना है, और यहाँ से SHA-1 की आपको मिल जाएगी। तो इसको हम रजिस्टर कर लेते हैं। अब ये नेक्स्ट स्टेप आपको बोल रहा है डाउनलोड कॉन्फ़िग फाइल। बेसिकली जब आपने रजिस्ट्रेशन की, तो उसके बाद आपको एक इसने कॉन्फ़िगरेशन की फाइल देनी है जो आपने अपने प्रोजेक्ट में ऐड करनी है। ये इसका तरीका भी आपको बता रहा है कि आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट करके और यहाँ से ऐप के अंदर इसको पेस्ट कर देना है। तो ये गूगल सर्विसेज की जेसन फाइल जो आपको ये दे रहा है, ये हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। और इस फाइल को आपने यहाँ पे ऐड कर देना। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से इसको प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाके ऐप के मेन फोल्डर में हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब ये पूछ रहा है कि इसका नाम यही रखना है, तो हम नाम सेम रहने देंगे और यहाँ से हमने जेसन फाइल ऐड कर दी। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो कॉन्फ़िगरेशन हमने उसको दी थी, वही कॉन्फ़िगरेशन उसने यहाँ पे सेट की हैं। आपका प्रोजेक्ट का एक नंबर असाइन कर दिया, उसी तरह क्लाइंट इन्फॉर्मेशन में आपका पैकेज नेम आ रहा जो आपने दिया था, और उसके अलावा ये सारी की सारी डिटेल वही है जो आप दे चुके हैं, और ये करंट API की आपको जनरेट करके दे दी इसने। तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में होती है जो आपको इसमें ऐड करनी मस्ट है। तो अब हम इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पे अब आपको ये बता रहा है कि आप फायरबेस का SDK अपनी जो प्रोजेक्ट है उसमें कैसे ऐड कर सकते हैं। तो वो सिंपली आपको बता रहा है कि आपने यहाँ पे रिपोजिटरीज के अंदर गूगल मेवन रिपोजिटरी ऐड करनी है। ये रिपोजिटरीज की सेक्शन में आएगी, डिपेंडेंसी के अंदर आपने ये गूगल सर्विसेज की डिपेंडेंसी ऐड करनी है, और ऑल प्रोजेक्ट की रिपोजिटरी के अंदर आपने गूगल को ऐड करना है। ये आपका हो गया प्रोजेक्ट लेवल की जो ग्रेडल होती है उसके अंदर का काम, और उसके बाद आपकी ऐप लेवल की जो ग्रेडल है उसके अंदर आपने ये दो काम करने हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऐड करनी है और गूगल सर्विसेज का टैग ऐड करना है। और इसमें आपको बोल रहा है कि डिपेंडेंसी आपने वो वाली ऐड कर सकते हैं जो जो आप फायरबेस की सर्विसेज यूज कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि फायरबेस में हम डिफरेंट किस्म की सर्विसेज ले सकते हैं, तो वो सब सर्विसेज की आपको अलग अलग डिपेंडेंसीज ऑनलाइन नज़र आ जाएंगी, तो वो आपको ऐड करनी पड़ेंगी जो जो भी सर्विस आप यूज़ करेंगे। तो हम फ्यूचर में भी एक फायरबेस के ऊपर हमारा पूरा लेक्चर है, तो हम उसमें देखेंगे कि हम फायरबेस की कौन कौन सी सर्विसेज यूज़ करते हैं और उसकी किस तरह से डिपेंडेंसीज को ऐड किया जाता है। तो चलें ये वाले स्टेप्स फॉलो कर लेते हैं। सबसे पहले वो कह रहा है कि आपने प्रोजेक्ट लेवल ग्रेडल को ओपन करना है, तो हम प्रोजेक्ट लेवल ग्रेडल ओपन कर लेते हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं आपकी रिपोजिटरीज में ऑलरेडी गूगल एडेड है,
और ऑल प्रोजेक्ट की रिपोजिटरीज में भी ऑलरेडी गूगल एडिट है। तो ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप तो आपका हो गया। अब ये वाला जो स्टेप है ये आपको कॉपी करना है यहाँ से, ये गूगल सर्विसेज वाला, और इसको पेस्ट कर देना है डिपेंडेंसीज के अंदर। डिपेंडेंसीज में आपकी ग्रेडल ऑलरेडी एडिड है, यहाँ पे आपने एक और पाथ ऐड कर देना है और इसको सिंक नाउ कर लेना है, जैसा कि इसने यहाँ पे बताया हुआ भी है। लेकिन उससे पहले हम ये ऐप लेवल की ग्रेडल के ऊपर भी दो तीन प्लगइन्स इंस्टॉल कर लेते हैं, जैसा कि इसने बताया कि ये वाला और एप्लीकेशन वाला प्लगइन। तो ऐप लेवल की हम जाएंगे ग्रेडल में। ऑलरेडी आपका एप्लीकेशन प्लगइन तो एडिट होता है, अब दूसरा प्लगइन जो है वो हमें ऐड करना पड़ेगा, वो है हमारे पास गूगल GMS, गूगल सर्विसेज का प्लगइन। इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। अब हमने सिंपली यहाँ से सिंक नाउ करना है, जैसा कि इसने नीचे बताया हुआ है कि आपने ये सब कुछ काम करने के बाद आपकी ग्रेडल को सिंक कर लेना है। तो हम इसको सिंक कर लेते हैं। अब सिंकिंग में क्या हो रहा है, बेसिकली जो जो आपने लाइब्रेरीज ऐड की हैं लाइक गूगल सर्विसेज की और उसकी जो डिपेंडेंसी की फाइल्स हैं, वो सारी की सारी फाइल्स आपके प्रोजेक्ट लेवल के ऊपर ये डाउनलोड कर रहा है जे सेंटर से, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो ये सब कुछ जे सेंटर पे पड़ा हुआ आता है, तो ये सब कुछ जे सेंटर पे होता है, जे सेंटर से ये डाउनलोड करेगा आपके प्रोजेक्ट के ऊपर। तो मीन वाइल हम नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या बनता है। नेक्स्ट पे हम जाएंगे। अब वो कह रहा है कि आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है एंड्रॉयड की वो कंप्लीट हो चुकी है, आप कंसोल पे जा सकते हैं। तो हम कंसोल पे सिंपली मूव कर जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा एक प्रोजेक्ट जो है वो ऐड हो चुका है नोटिफिकेशन एग्जाम्पल के नाम से। तो आप किसी भी वक्त इस प्रोजेक्ट को ओपन करके यहाँ से इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। सेटिंग में आप जाएँ इसकी, तो आपको सारी की सारी सेटिंग्स यहाँ पे इस प्रोजेक्ट की मिल जाएंगी। तो ग्रेडल के ऊपर हमें एक एरर दे रहा है बेसिकली कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली बिल्ड नहीं हो सकता। तो आप इसको सिंपली गूगल करके भी देख सकते हैं कि ये एरर इस वजह से आता है कि आपका जो ग्रेडल है वो लोअर वर्जन पे सेट हुआ है और आपकी सर्विसेज जो है वो हायर वर्जन पे सेट हुई हैं, तो आपको इसको अपग्रेड करना होगा। तो हम सिंपली इसमें ऑल्ट एंटर प्रेस करके इसको चेंज कर देंगे 4.0.1 पे, और अब हम इसको दोबारा ट्राई अगेन करेंगे ताकि चेक करते हैं कि हमारा ये जो प्लगइन है ये सक्सेसफुली ऐड हो गया कि नहीं। अच्छा, अब हमने बेसिकली करना यूँ है कि हम मैसेजेस चाह रहे हैं कि हमारी डिवाइस के ऊपर जो है वो फायरबेस की सर्विस के थ्रू हमें पुश नोटिफिकेशन आए, और पुश नोटिफिकेशन के अगेंस्ट हम एक नोटिफिकेशन प्रिंट करवा दें अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के ऊपर। तो अगर आपने मैसेजेस से रिलेटेड कोई भी काम करना है तो आपको इनकी एक डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी फायरबेस की, मैसेजिंग वाली। तो चलिए देखते हैं हम उसको कैसे ऐड कर सकते हैं। सिंपली वैसे ही आपने यहाँ से जाना है प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर, डिपेंडेंसीज पे जाना है और ऐप को सिलेक्ट करके यहाँ पे हमने डिपेंडेंसी ऐड करनी है बेसिकली। और डिपेंडेंसी ऐड करने का तरीका वैसे ही है, प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे और लाइब्रेरी डिपेंडेंसी ऐड करेंगे। तो सिंपली आपने यहाँ पे थोड़ी सी सर्चिंग चेंज करनी है कि फायर बेस डायरेक्ट करके, मतलब कि फायर बेस के अलावा जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी। अब फायर बेस की जितनी भी लाइब्रेरीज हैं वो यहाँ पे आपको लिस्ट डाउन हो चुकी हैं। इसमें से हमने सेलेक्ट करनी है बेसिकली मैसेजेस वाली, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। अब नीचे आपके पास फुल लाइब्रेरी का नेम शो कर रहा है विद वर्जन, तो इस टाइम 20.2.4 इसका लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, तो हम इसको ओके करके ऐड कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, हमारे प्रोजेक्ट में जो है फायरबेस मैसेजिंग का डिपेंडेंसी ऐड हो चुकी है। इसको अप्लाई करके ओके कर देंगे हम। अब आपका ग्रेडल सिंक हो रहा है बेसिकली, आपकी जो फाइल्स हैं वो डाउनलोड हो रही हैं। इसका हम वेट करेंगे। अच्छा, तो हमने जो लाइब्रेरी है फायरबेस मैसेजिंग की वो सक्सेसफुली ऐड कर ली है। और अगर आपको कभी भी इसमें कोई एरर आता है कि लाइक आप एंड्रॉयड एक्स पे इसको मूव करें, तो सिंपली आपने ज़्यादा कुछ काम नहीं करना, आपने रिफैक्टर में जाना है और
रिफैक्टर में जाके आपने माइग्रेट टू एंड्रॉयड एक्स कर देना है। तो आपका पूरा जो प्रोजेक्ट है वो एंड्रॉयड एक्स पे मूव हो जाएगा। ये आजकल थोड़ी सी इन्होंने कंस्ट्रेंट ऐड की है कि आपको एंड्रॉयड एक्स पे मूव करना है अगर आप कोई भी नया मॉड्यूल या नई चीज़ यूज़ करेंगे। तो फायर बेस मैसेजिंग के केस में अक्सर ये टूल में ये एरर आया था कि आप इसको एंड्रॉयड एक्स पे मूव करें। तो आपने सिंपली क्या करना है, रिफैक्टर में जाके और माइग्रेट टू एंड्रॉयड एक्स कर देना है। तो आपका पूरा पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है वो एंड्रॉयड एक्स पे माइग्रेट हो जाएगा। अब हमने जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं कि हमारे पास एक फायर बेस की इंटीग्रेशन हो, और जिसमें हमने देख लिया कि हम उसका जो कंसोल पे जाके किस तरह से हम एक प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगर करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन के बाद हमने उसकी फाइल डाउनलोड कर ली। अब हम क्या चाह रहे हैं, फायरबेस से मैसेजिंग सर्विस को यूज़ करते हुए हम वहाँ से एक पुश भेजें और हमारी एप्लीकेशन उस मैसेज को रीड करे और उसको डिस्प्ले कर दे या उसका एक नोटिफिकेशन क्रिएट कर दे। तो अगर तो आपने ऐसा कोई भी काम करना है जिसमें से आपने कोई मैसेज रीडिंग करनी है तो आपको एक सर्विस लिखनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम एक सिंपली क्या करते हैं, एक फायरबेस की सर्विस लिख लेते हैं। उसका तरीकाकार बिल्कुल सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है आपको। पहली चीज़ तो यह है कि आपको एक फायरबेस की सर्विस लिखनी होगी। तो सिंपली आप क्या करेंगे, जावा में जाके आपने यहाँ से एक नया जावा क्लास ऐड करनी है। इसका नाम आप रख देंगे माई फायर बेस मैसेजिंग सर्विस। तो ये सर्विस बेसिकली क्या करेगी, जो आपके पास मैसेजेस आएंगे उनको ये हैंडल करेगी। तो ये हम उस पर्पस के लिए क्लास बना रहे हैं। तो हमने उसका नाम रख दिया माई फायर बेस मैसेजिंग सर्विस। तो ये क्लास है और इसको हम क्रिएट कर देते हैं। अब सिंपली आपने इसको एक्सटेंड करना है फायरबेस मैसेजिंग सर्विस से। तो ये आपके पास एक सिंपल सी सर्विस की क्लास क्रिएट हो गई है। अब इसके सर्विस और ब्रॉडकास्ट जो भी होते हैं ये हमने मैनिफेस्ट में इसको रजिस्टर करवाना मस्ट होता है। तो हम मैनिफेस्ट में जिस तरह से हमने पहले एक सिंपल सा रिसीवर या ब्रॉडकास्ट रिसीवर रजिस्टर करवाया था, बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पे एक सर्विस रजिस्टर कर लेते हैं। सर्विस रजिस्टर करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली जैसे आपने रिसीवर लिखा था उसी तरह से आप यहाँ पे सर्विस लिख देंगे। और सर्विस का नाम जो है वो हमसे ये पूछ रहा है, तो हम उसका नाम एक ऑब्वियस सी बात है कि इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि सर्विस यहाँ क्रिएट हुई हुई है। तो हम इस सर्विस को डबल क्लिक करेंगे तो ये सर्विस का नाम है। और इस पे एक और फ्लैग आपको फॉल्स करना होगा एक्सपोर्टेड का, इसको हम फॉल्स कर देते हैं। और इस टैग के अंदर आपने क्या करना है, आप एक इंटेंट फिल्टर लिखना है। इंटेंट फिल्टर में आप एक एक्शन ऐड कर देंगे। तो हमने एक सिंपल सा एक्शन इसमें ऐड कर दिया, ये मैसेजिंग इवेंट को रीड करने के लिए हमने सर्विस बनाई है। तो हमने इसका जो एक्शन है वो भी मैसेजिंग इवेंट ही रख दिया। तो ये हमने सक्सेसफुली जो है एक फायरबेस की सर्विस को रजिस्टर कर लिया। इस सर्विस में हम क्या करेंगे, आपका जो मैसेज आएगा उसको हमने हैंडल करना है। तो उसको हैंडल करने के लिए आप यहाँ पे इसका ओवर एडेड एक मेथड है उसको लेंगे। ओवर एडेड मेथड लेने का एक सिंपल शॉर्टकट है,
ऑल्ट इंसर्ट। ऑल्ट इंसर्ट प्रेस करने पे आपके पास यहाँ पे काफी ऑप्शंस आ जाते हैं, जिसमें से एक ओवरराइड मेथड्स का भी है। इसको हम चेक करेंगे, इसमें काफी ज्यादा मैसेजेस, काफी ज्यादा इसमें कॉल बैक्स मौजूद हैं, जिसमें से हमने यूज करना है ऑन मैसेज रिसीव्ड का। तो ये ऑन मैसेज रिसीव्ड का जो आपने ओवरराइड मेथड है ये फेच कर लिया है। इसमें क्या होगा, बेसिकली जैसे ही आपको कोई भी सर्वर या बैकएंड से आपको कोई भी मैसेज पुश करेगा, तो वो यहाँ पे इस सर्विस जो है ये इसको रिसीव करेगा। उस मैसेज को भेजने के लिए आपको यहाँ से अपने डिवाइस का टोकन उनको प्रोवाइड करना है। तो ये बेसिकली एक सिक्योर कनेक्शन होता है, जिसमें आपको एक टोकन जनरेट करना होता है अपनी डिवाइस का। तो वो टोकन किस तरह से जनरेट करते हैं और उसको कैसे हम सर्वर पे भेज सकते हैं वो हम देख लें, लेकिन फिलहाल जो सर्वर पे भेजने की चीज़ है वो अभी हम नहीं करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे कि हम वेब सर्विसेज किस तरह से कॉल करते हैं वो हम आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम एक ऑनलाइन पुशर के थ्रू चेक कर लेंगे कि उनको टोकन प्रोवाइड करेंगे और वो हमें एक मैसेज सेंड कर देंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक सर्वर आपको मैसेज सेंड करेगा। तो वो मैसेज जो है वो बेसिकली यहाँ पे आप उसको हैंडल करेंगे, तो उसकी हैंडलिंग के अगेंस्ट हम यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि हम वो कौन सा ऑनलाइन पुशर है जो यूज़ कर, तो वो टोकन जनरेट करने का हम तरीका देख लेते हैं कि हम किस तरह से टोकन जनरेट करेंगे। एक बटन हम क्रिएट कर लेते हैं एक्स्ट्रा। यहाँ पे हम एक टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं, जिसमें हम उस टोकन को प्रिंट करवा लेंगे। गेट डिवाइस टोकन के नाम से एक बटन बना लिए, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम FCM से एक रिक्वेस्ट करेंगे डिवाइस टोकन गेट करने की। डिवाइस टोकन जो होता है बेसिकली वैसे आप उसको खुद से गेट नहीं कर सकते, आपने क्या करना होता है कि फायरबेस का एक आपके पास लिसनर होता है। बेसिकली वो क्या करता है कि जैसे ही आपका जो टोकन है वो अवेलेबल होता है तो आपको वो टोकन दे देता है। और इसके अलावा एक और तरीका भी है, बेसिकली होता क्या है कि टोकन एक आपकी सिक्योरिटी के लिए यूज़ होता है, तो टोकन जो होता है ना वो कुछ टाइम के बाद एक्सपायर हो जाता है, लाइक 7 डेज का टाइम होता है आई गेस, या इससे भी कम, या कोई भी सर्वर पे एक्टिविटीज ना की होगी तो वो खुद ब खुद सर्वर उस टोकन को एक्सपायर कर सकता है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, कि आपकी अनऑथोराइज डिवाइस जो है वो एक्सेस ना कर सके मैसेजेस को। तो इस काम के लिए फिर सर्वर आपको न्यू टोकन की भी पुश देता है, तो वो भी हम सर्विस के अंदर भी उसको हैंडल कर सकते हैं। सर्विस में कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। सर्विस में एक मेथड होता है ओवरराइडेड मेथड्स के अंदर ही ऑन न्यू टोकन का। ये बेसिकली क्या करेगा कि जैसे ही सर्वर से या फिर आपका टोकन एक्सपायर होगा या फिर सर्वर एक्सपायर करेगा, तो ऑटोमेटिकली नया टोकन जनरेट होके वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इस डिवाइस का। एक तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, आप शेयर्ड प्रेफरेंस में इसको स्टोर कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो है उसमें आप क्या कर सकते हैं, फायरबेस इंस्टांस से आप ये चीज ले सकते हैं। तो वो कैसे लेते हैं वो हम देख लेते हैं। इंस्टांस आईडी डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट इंस्टेंस आई डी
डॉट एड ऑन कंप्लीट लिसनर तो ये वो बेसिकली लिसनर है जो आपको एक नया टोकन देगा जैसे ही आपकी टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो वो टोकन हम यहाँ पे गेट कर सकते हैं, ये टास्क के अंदर बेसिकली वो टोकन मौजूद होता है। तो हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं टोकन, टास्क डॉट गेट रिजल्ट, और इसके अंदर टोकन मौजूद होता है गेट टोकन। तो जैसे ही ये इंस्टेंस आईडी जो है इनिशिएट होगा और कंप्लीट हो जाएगा सक्सेसफुली, तो हमारे पास इसके ऑन कंप्लीट मेथड के अंदर आपके पास टास्क आ जाएगा। उस टास्क के रिजल्ट के अंदर से हम टोकन फाइंड आउट कर सकते हैं और इस टोकन को हम आगे यूज कर सकते हैं। फर्दर आप एक टेक्स्ट व्यू जो हमने लिया था उस टेक्स्ट व्यू को हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेते हैं। और जैसे ही हमें टोकन रिसीव होता है तो हम उसको टेक्स्ट व्यू पे प्रिंट करवा सकते हैं। ये वाला काम हम ऑन क्लिक लिसनर पे कर लेते हैं और उसको डिस्प्ले करवा के चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने गेट टोकन किया तो ये इनिशियलाइजेशन के बाद हमें ये डिवाइस का टोकन मिल गया, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो अभी हम इस टेक्स्ट व्यू को कॉपी नहीं कर पा रहे, इसको कॉपी करने के लिए आपको इसको इनेबल करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक सिंपल सी आपने एक एट्रीब्यूट है इसकी, टेक्स्ट इज सिलेक्टेबल, इसको हम ट्रू कर देंगे तो वो आपका जो टेक्स्ट है वो पहले सिलेक्ट नहीं हो रहा था वो सिलेक्ट हो जाएगा। दोबारा रन करके चेक कर लेते हैं। तो अब ये जो टेक्स्ट है हमारा ये सिलेक्ट हो रहा है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। अब इसको टेस्ट करने के लिए हमने जो चूज किया है वो APNS टेस्टर है या ऑनलाइन टेस्टर है। जिस तरह के आप सर्वर को टोकन देंगे तो वो टोकन के अगेंस्ट आपको जो मैसेज भेजेगा वो भी इसी तरह का कुछ करेगा। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमने किस तरह से ये काम करना है। सिंपली आपसे जो डिमांड कर रहा है वो FCM सर्वर की है जो हमें यहाँ से क्लाउड मैसेजिंग में से मिलेगी। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और टोकन डिवाइस टोकन जो है वो हमें जनरेटेड है हमारे पास, वो यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। और आप यहाँ पे कोई भी मैसेज लिख सकते हैं लाइक हेलो वर्ल्ड। अब हम इसको टेस्ट करने से पहले यहाँ पे डिबगर अटैच कर लेते हैं। डिबगर अटैच करना हमने किया हुआ ऑलरेडी, ये मैसेजेस के ऊपर हमने डिबगर पॉइंट लगा के और उसको यहाँ से अटैच डिबगर कर लिया। अब हम यहाँ पे इसको टेस्ट कर लेते हैं और चेक करते हैं कि हमारा डिबगर हमें वहाँ पे लेके जाता है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो डिबगर है वो सक्सेसफुली यहाँ पे आ चुका है और वो जो मैसेज हमने APNS टेस्टर से भेजा था वो हमें ऑन मैसेज रिसीव के अंदर मिल गया।
और इसके अंदर हम देख लेते हैं कि हम इसमें से किस तरह से डाटा निकाल सकते हैं। तो रिमोट मैसेज के अंदर आपका सारा डाटा मौजूद है, ये बंडल है, इसको आप ओपन करेंगे। अब इस बंडल में, इस बंडल को अगर आप व्यू करें तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लाइक मैसेज आईडी क्या है जो FCM खुद से जनरेट करता है, उसके अलावा जो बॉडी है उसके अंदर हमारा हेलो वर्ल्ड का मैसेज जो हमने वहाँ से सेंड किया था वो आ चुका है। इस तरह से सेंडर की आईडी है, जो सेंडर सर्वर था उसकी एक आईडी जनरेटेड थी ऑटोमेटिक, तो वो यहाँ से सक्सेसफुली हमें ये मैसेज रिसीव हो चुका है। अब हमारा जो अपना नेक्स्ट काम होगा वो हम यहाँ पे ऑन मैसेज रिसीव के अंदर ही करेंगे। तो वो हम कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। नोटिफिकेशन हमने यहाँ से एक बनाना है ताकि डिवाइस के ऊपर नोटिफिकेशन शो होना शुरू हो जाए जो हमने माय रिसीवर में किया था। तो चलें देखते हैं उसको हम कैसे करते हैं। सिंपली आप यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देंगे। कॉन्टेक्स्ट में हम सिंपली यहाँ पे दिस कर देंगे तो ये सर्विस का कॉन्टेक्स्ट ऑटोमेटिकली उठा लेगा। अब हमने इसका जो सब्जेक्ट है इसके अंदर बेसिकली जो हमें मैसेज आएगा उसको प्रिंट करना है, तो हम मैसेज निकाल लेते हैं। मैसेज निकालने का सिंपल तरीका, रिमोट मैसेज में से आप गेट नोटिफिकेशन करेंगे और नोटिफिकेशन की जो बॉडी है उसमें बेसिकली मैसेज पड़ा हुआ था जो हमने आपको दिखाया भी था कि बॉडी के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा था। तो सिंपली हमने ये किया और हम इस मैसेज को जाके सब्जेक्ट हेयर की जगह पे लिख देंगे। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा नोटिफिकेशन जनरेट होता है कि नहीं। सिंपली हमने अपनी एप्लीकेशन को ओपन कर लिया और यहाँ टेस्टर को ओपन करके हमने ये मैसेज जो है इसको दोबारा सेंड करते हैं, टेस्ट करते हैं और यहाँ पे हमें एक नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। अभी तक कोई नोटिफिकेशन यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने इस पर क्लिक किया हेलो वर्ल्ड, यहाँ से मैसेज जो उसको सेंड हुआ आपकी एप्लीकेशन को और आपकी एप्लीकेशन ने एक नोटिफिकेशन जनरेट कर दिया जिसमें ये वाला मैसेज लिखा हुआ आ गया हेलो वर्ल्ड का। अब इसको हम यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। न्यू मैसेज हम सेंड कर लेते हैं तो आपकी मैं एप्लीकेशन जो है वो न्यू मैसेज रिसीव करके उसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो आप यहाँ से जो मर्जी चीज़ सेंड करेंगे वो वहाँ पे कैच करके उसका नोटिफिकेशन बना देगा। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी पुश नोटिफिकेशन की। और अब भी हमारा जो लेक्चर है आज का वो यहाँ पे हम उसको ख़त्म करते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।